हेलो एवरीवन, तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर मोमोज, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है और इतनी आसानी से बन जाएंगी कि आप सोचिए कि बिना ही बनाना शुरू कर देंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले पनीर को कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले जैसे कि चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर, मैगी मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने मैदे की पूरी बेल लिए हैं और जो हमने स्टफिंग तैयार किए थे इसमें रख के हम अच्छे से पोटली के आकार देते हुए मोमोज तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मेरे सारे मोमोज तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स आप भी एक बार ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अब यहाँ मैंने एक पैन में थोड़े से तेल ले लिए हैं और जो मोमोज मैंने तैयार किए थे इन सबको पैन में रखते हुए कुछ इस तरह से सजा देंगे। और इसे ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पक देंगे। और फ्रेंड्स देखिए, ये मोमोज नीचे से अच्छे से पक चुके हैं। अब इसे पलट के हम दूसरी तरफ भी पकने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ वापस से ढक्कन लगा देते हैं। और फ्रेंड्स ढक्कन हटा के हम दोबारा देखेंगे कि ये मोमोज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इसे चलाते हुए बाकी के मोमोज़ को फ्राई कर लेंगे ताकि ये चारों तरफ से फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ मेरे मोमोज भी फ्राई हो चुके हैं। अब चटनी के लिए मैंने लिए यहाँ पिज़्ज़ा सॉस। अब इसी के साथ लेंगे टमाटो सॉस। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये बन गई हमारी मोमोज की चटनी। ये मोमोज भी तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।